अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, बहबूज सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोग खदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। देखिए, जो अभी अपडेट है आज की, आज तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, मुझे कल ही इस पर वीडियो बनाना था लेकिन मैं नहीं बना सका, कि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट वो है कि नेशनल सेविंग वाले जो अपने पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस लाने ला रहे हैं। पॉलिसी में चेंजेस का इन्होंने कहा है कि बहबूज सेविंग की सर्टिफिकेट हो या फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, इसकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। अच्छा, पॉलिसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मकसद यह है कि एक तो न्यूज़ ये भी है कि 60 साल की जो कंडीशन है कि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोग अफराद ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसमें भी शायद चेंजिंग आए। हो सकता है कि ये 60 साल की लिमिट, 60 साल जो एज का जो है, ये शायद हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है मैंडेट है कि इस पर भी डिस्कशन होगी। उसके अलावा टैक्स पे भी डिस्कशन होगी कि टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पर, और बहबूद हो या फिर पेंशन से बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो। अच्छा, टैक्स पे जो है वो इन पे बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट पे भी डिस्कशन है, और इसके अलावा नेशनल सेविंग के अदर प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन है कि इस पे बढ़ाया जाए या कम किया जाए या रिमेन रखा जाए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है प्रॉफिट जो है बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट, जो पिछले 3-4 महीनों से पहले ही बढ़ जाना चाहिए, 2 महीने 3 महीने पहले ही बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बढ़ बढ़ के 22% हो गया। तो इस पर भी डिस्कशन है कि इसका रेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसके अलावा मॉनिटरिंग पॉलिसी, 31 जुलाई 2023 को मॉनिटरिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट है कि उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, तो ये भी है कि इस 31 जुलाई को ये भी नेशनल सेविंग वाले अपनी नज़र में रखेंगे, 31 जुलाई को पॉलिसी रेट वो भी है, रिविज़न भी है, हो सकता है उसमें रेट बढ़ जाए, मॉनिटरिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है। तो ये है कि अभी अभी इन चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है कि टैक्स पॉलिसी में क्या क्या चीज़ चेंजिंग है, टैक्स से रिलेटेड अपडेट आ सकती है, प्रॉफिट से अपडेट आ सकता है, उसके अलावा एज जो है, एज की जो लिमिट है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें डिस्कशन है। हो सकता है ये अपडेट हो, मे बी पॉसिबल है कि कल जो मीटिंग है कल ही अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर ये 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर इसकी अनाउंसमेंट आए, लेकिन ये है कि पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं नेशनल सेविंग वाले। तो जैसे मज़ीद अपडेट आती है कि क्या चेंजेस किए उन्होंने, आप लोगों को बताते हैं। ये थे कि आज तक की अपडेट कि बहबूज सेविंग में पॉलिसी में चेंजेस आ रही है, उसमें हो सकता है टैक्स से रिलेटेड भी चेंजेस हो सकती है, प्रॉफिट से रिलेटेड भी चेंजेस हो सकती है, और बहबूज सेविंग पे जो 60 साल की एज है उसमें भी चेंजेस हो सकती है, कि हो सकता है उसकी लिमिट, एज की जो लिमिट है वो कम कर दी जाए, 50 साल या 55 साल कर दी जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, बहबूज सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।